है गाइस, वेलकम टू सस्ता ब्लॉग। तो हमारा आसाम का बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया, पता नहीं कब होगा। तो हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने गांव, क्योंकि पापा ने बोला कि अता पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। और पेंडेमिक तो बहुत इंडिया में बहुत हालत ख़राब है अभी। तो फिलहाल मैं पैकिंग कर रहा हूँ अपना सामान। यहाँ पर अपनी बुक्स पैक कर लिया, यहाँ पर कुछ अपनी चीज़ें बॉक्स वगैरह, और यहाँ पर भी ट्रंक पर भी है बहुत कुछ, और यहाँ पर ऊपर भी बॉक्सेस है लेकिन धूल और मकड़ी का जाल है, कैसे लाऊं। तो ये दो मैं थर्मोकोल फेंकने वाला हूँ, और ये मेरा बॉक्स था लाइट के लिए। इसको लेके क्या करूँगा अभी, इसको भी फेंकना पड़ेगा। और ये मेरा स्पीकर का बॉक्स, इसको भी फेंक दूँगा, सिर्फ ये लेके जाऊँगा ये लाइट। तो प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। मैं इसको नहीं फेंक सकता क्योंकि इसको मैंने बड़े प्यार से बनाया है, रखता हूँ अपने पास अपने यादें। इस बॉक्स को मैंने उतरना भूल ही गया, धूले बहुत। ये मेरा लैपटॉप का बॉक्स है, लेनोवो आनंदराम बोरा अवार्ड यू। इस फोटो की हालत तो देखो, ये फ्रेम मैंने बनाया है, ये भी एक याद है, इसको भी ले जाना पड़ेगा। मेरा देखो सिक्स पैक्स था थोड़ा थोड़ा पहले, एब्स इसको देखो मोटू। और ये मेरे दादी जी जो आप नहीं रहे, ये मैं और पापा, ये मैं, पेट निकला हुआ था अब भी है पेट, मम्मी में, दादाजी मम्मी, और ये मम्मी में, और ये कजिन ब्रदर, और ये हम तीन शैतान, ये बड़ा हो चुका है, और ये अंकल आंटी। तो ये दो जायन बैग्स यहाँ पर, ये सब है। और यहाँ पर ये गद्दा तकिया, और ये मेरा कपड़े, इसको बैग में डालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पैकिंग हो गया, बाकी कल करूँगा। थोड़ा काम क्या किया, थक गया मैं यार, आलसी हो गया हूँ घर पर बैठ बैठ के। आई थिंक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ घर पर बैठा, एग्जाम होगा होगा सोच सोच के, एंड एंड में क्या हुआ, पोस्टपोन्ड, ऑल थैंक्स टू कोविड-19, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री 0, कुछ भी नहीं हुआ था मेरा लिटरली। तो टाइम मिला, अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पे पास होना है, नहीं तो फेल हो जाता मैं, ऑल थैंक्स टू करुणा। लेकिन लोगों को मत मारो ना प्लीज़, करुणा लोगों को मत मारो ना। वैसे इस जगह को मैं मिस तो बहुत करने वाला हूँ यार, 2013 में आया था, क्लास 5 पे था तब, मैं हॉस्टल पे था, अब अचानक से ऐसे जा रहा हूँ। वैसे मैंने अपने दोस्तों को बुलाया कल मिलने के लिए, अगली बार कल, आई गोना मिस देम। तो अब टाइम हुआ है 6:45 एंड मैं खा रहा हूँ रोटी। वैसे कमर में बहुत दर्द हो रहा है यार, वैसे कमर का दर्द मुझे पहले से ही है, लेकिन अब थोड़ा ऐसे काम किया तो बहुत दर्द हो रहा है। तो ये खाने के बाद मैं सीधा लेटने वाला हूँ, लेट के आई थिंक मूवी देखूँगा कुछ लैपटॉप पे लेट लेट के। तो ये रहा मेरा गवर्नमेंट का दिया हुआ सस्ता लैपटॉप तो मैं आज देखूँगा यमला पगल दीवाना फिर से, 2018 पे रिलीज हुआ था ये। 2 hours later रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। तो मूवी कब का ख़त्म हो चुका, एवरेस्ट लगा इतना भी अच्छा नहीं था, झूठ नहीं बोलूँगा। एंड खाना वाना खा ली मैंने, तो आप सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठना है जल्दी, आखिरी दिन है तो घूमना तो बनता है। बहुत सारे फेवरेट जगह है मेरा, मेमोरी से बहुत बहुत सालों से अड़े रहा हूँ, तो आखिरी बार घूमना चाहता हूँ जी भर के। तो यस, गुड नाइट। The next morning. Good morning guys. तो आप टाइम हो गया है 5:30 और मैं आ गया हूँ घूमने।
लेकिन नींद तो बहुत आ रहा है यार कुत्ते तो नींद तो बहुत आ रहा है यार क्योंकि मेरे को रात को नींद नहीं आया था जल्दी क्योंकि मुझे देर से सोने की आदत पड़ गई थी था सोने की आदत पड़ गया था क्या बोल रहा हूँ यार नींद में एनीवे तो मैं घूमने जा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस दोस प्लेस माई फेवरेट प्लेस लेट्स गो। तो इस हॉस्टल का नाम था लंकेश्वर बॉयज़ हॉस्टल। मैं शुरुआत में इस हॉस्टल पर रहता था क्लास 5 पे 2013 को पर अब इसको तोड़ा जा रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है फुल शर्ट पहन के आना चाहिए था और सनराइज भी हो गया अब तो शायद गर्मी लग सकता है। ये रहा पचला का मेन टाउन बाजार। फिलहाल तो यह खाली है क्योंकि इतने सुबह सुबह कौन आएगा। दो तीन लोग आए हैं जॉगिंग के लिए या वॉकिंग के लिए मॉर्निंग वॉक। तो आते समय मैं एक शॉट ले रहा था तो एक लड़की पीछे से आ रहा था मेरे को देख ली यार मेरे को शर्म आ गया। लड़का था तो कोई बात नहीं लड़की ने देख ली वैसे आदत नहीं है ना ब्लॉग बनाने का। और ये मेरा क्लास 12 का कैंपस जो बंद है आप गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और ये रहा मेरा क्लास 11 का कैंपस। ऊपर ये केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट और ये एक बुक स्टोर। ये भी एक कैंपस है और ये भी एक कैंपस है पर हमारा क्लास यहाँ पर कभी नहीं हुआ लेकिन एक बार एग्ज़ाम हुआ था लेकिन क्लास कभी नहीं हुआ। जब पहले पहले यहाँ आया था तब सीजे से नहीं थी लेकिन टाइम के साथ बहुत कुछ बदल गया 2013 से लेकर 2021। एंड यहाँ पर मेरा हाई स्कूल का ये सेक्शन इस सेक्शन में मैंने 9th तक पढ़ा था क्लास 7 से लेकर 9th तक। उसके बाद 10th में हमको और एक कैंपस उस तरफ ले जाया गया जो मेरा सेकंड हॉस्टल था वहाँ पर आ गया। यहाँ पर उस हॉस्टल से मेरे को यहाँ पर शिफ्ट किया गया फर्स्ट हॉस्टल से यहाँ पर सेकंड हॉस्टल पर। ये हॉस्टल भी मज़ेदार था बहुत मस्ती की बहुत सारी याद है इस हॉस्टल पर भी। फिलहाल यहाँ पर रूम था बहुत सारे तोड़ दिए गए पीछे बिल्डिंग बना रहा है अब हॉस्टल का नाम भी चेंज हो गया। पहले रूपाली हॉस्टल था आप वीरेंद्रनाथ कुत्ता है यार पहले रूपाली लड़की के नाम से था पर अब बदल गया और ये इसको पेंगेस बनाया गया। तो इस हॉस्टल के सीधा अपोजिट था हमारा प्राइमरी स्कूल यहाँ। तो इससे अपोजिट जिस पर मैंने 5 स्टैंडर्ड से लेकर 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ा फिर 7 से लेकर 9 तक वहाँ और हमको 10th पे वापस यहाँ लाया गया। तो यहाँ भी बहुत सारे मेमोरीज हर जगह मेमोरीज है यार। ओके तो पीछे जो हॉस्टल है वहाँ से हमको और एक हॉस्टल पे ले जाया गया भूपेन हजारिका हॉस्टल नाम था उसका और वहाँ पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर है तो मैंने साइकिल भी नहीं लाया लेकिन वहाँ पर इतना मेमोरीज नहीं था झूठ नहीं बोलूँगा वहाँ पर इतना मेमोरीज नहीं था। लाइक वो हॉस्टल बिल्डिंग था और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ये एक ब्रिज है जो काट से बनाया गया है टूट फूट चुका है। ये रही हमारे स्कूल की पीछे की एंट्रेंस। जब 10th पे था तब यहाँ से हम बाहर होते थे बंद पड़ा है अभी वैसे क्लास हो तो नहीं रहा क्योंकि बंद है सब कुछ अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के गाइडलाइंस। तो फिलहाल यहाँ पर 10th और 9th की क्लास नहीं होता वो जो सेक्शन सी और डी था वहाँ पर शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पर अभी जो छोटे छोटे हैं वहाँ पर उनका क्लास होते हैं। स्कूल के ठीक पास यहाँ पर ये मेरा टीचर का घर है जहाँ पर मैंने 11th और 12th की मैथ्स की ट्यूशन की थी।